अगर कोई प्रॉफिट नहीं है इसमें, ओल्ड पेंशन में कोई प्रॉफिट नहीं, तो वो क्यों ले रहे हैं इस पेंशन को? वो भी नई पेंशन लें, जब भारत एक, संविधान एक, लोकतंत्र एक, तो फिर इसमें दोहरा व्यवहार क्यों किया जा रहा है? हमारे कर्मचारी, हमारे नेता जब हम पर एक जैसा कानून इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो पुरानी पेंशन क्यों नहीं ले रहे? अब जो पेंशन की, जो पुरानी पेंशन की बात करेगा, वो यूपी और दिल्ली में राज करेगा। सरकार ने ये पॉलिसी बनाने नहीं, बन चुकी है ये तो। उन्होंने पैसा जो अरबों खरबों रुपए शेयर मार्केट में पेंशन का जो हमारा पैसा लगा रखा है, और वो अब ये कह रही है कि इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि आपको पेंशन मिले या नहीं मिले। स्वागत है आपका नेशन दस्तक में, मैं हूँ आपके साथ फर्नीचर। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जंतर मंतर पे। आप मेरे पीछे लोग देख सकते हैं जो भारी संख्या में मौजूद है, सिर्फ इसलिए क्योंकि इन लोगों को पेंशन चाहिए। जो पुरानी पेंशन है उसके बहाल के लिए यहाँ पर लगातार बैठे हुए हैं, अपनी मांगों को उठा रहे हैं। जिस तरह से नई पेंशन लागू कर दी गई है मोदी सरकार के द्वारा, लेकिन इन लोगों का कहना है कि पुरानी पेंशन को वापस लाने चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर पोस्टर ये लोग लिए हुए हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी पुरानी पेंशन बहाल कीजिए। ये लोग उत्तर प्रदेश से आए हुए हैं, काफ़ी सारी संख्या में यहाँ लोग हैं, पंजाब से आए हैं, उत्तर प्रदेश से आए हैं, राजस्थान से आए हैं, अलग अलग जगहों से यहाँ पे लोग मौजूद हैं। तो सर, क्या समस्याएं हैं नई पेंशन में कि आप बोल रहे हैं कि पुरानी पेंशन बहाल करनी चाहिए? नई पेंशन में कर्मचारियों का हित नहीं है। जब सांसद और विधायक, भारत के प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, तमाम मंत्रीगण जब पुरानी पेंशन लेते हैं, तो कर्मचारियों को पेंशन क्यों नहीं है? कर्मचारियों को पेंशन क्यों नहीं है? हम उत्तर प्रदेश से तो ये न्यू पॉलिसी लेकर तो आई है सरकार, नहीं उसमें हमें नुकसान है। क्या नुकसान है? नहीं है, हमारे बच्चों को भविष्य नहीं है उसमें। क्या नुकसान है? नहीं, हमें जीपीएफ में फायदा है, पुरानी पेंशन में फायदा है हमें, वहाँ में बहुत बड़ा नुकसान है। हमें पुरानी पेंशन चाहिए। जब सांसद जी, विधायक जी पुरानी पेंशन ले सकते हैं, तो कर्मचारियों की पुरानी पेंशन दे दीजिए। कर्मचारी भी तो सरकार का आदमी है। हम उत्तर प्रदेश से आए हैं, पंचायती राज विभाग से आए हैं, और प्रदेश अध्यक्ष क्रांति सिंह के नेतृत्व में आए हैं, और यहाँ अगर आगामी हमारी जो बात नहीं मानी जाएगी, मांग नहीं मानी जाएगी, तो इससे ही धरना प्रदर्शन करेंगे। अच्छा, तो क्या फ़र्क है नई पेंशन में और पुरानी पेंशन जो थी? मैडम, सरकार ये चाहती है कि कर्मचारी जो 12-12 घंटे काम करता है सड़कों पर, और सरकार को जो सहयोग प्रदान करता है, उसके लिए केवल NPS की जगह नेशनल पेंशन जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो लोग, वो खुद क्यों नहीं ले रहे इस पेंशन को? हम भी लेने के लिए तैयार हैं। अगर कोई प्रॉफिट नहीं है इसमें, ओल्ड पेंशन में कोई प्रॉफिट नहीं, तो वो क्यों ले रहे हैं इस पेंशन को? वो भी नई पेंशन लें, जब भारत एक, संविधान एक, लोकतंत्र एक, तो फिर इसमें दोहरा व्यवहार क्यों किया जा रहा है? हमारे कर्मचारी, हमारे नेता जब हम पर एक जैसा कानून इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो पुरानी पेंशन क्यों नहीं ले रहे? हमारा जो दिक्कत क्या है नई पेंशन में? मैडम, सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इसका जो पैसा है वो शेयर मार्केट में लग रहा है, हम उस पैसे को कभी निकाल नहीं सकते, और जब रिटायरमेंट ही पर हम जाएंगे, तो उस पैसे को ये घाटे में दिखा रहे हैं, और जो हमारे कर्मचारी भाई रिटायरमेंट हो रहे हैं, तो उनको 700 रुपये पेंशन मिल रही है, किसी को 600 रुपये, किसी को 500 रुपये पेंशन मिल रही है, जबकि ओल्ड पेंशन में जो सिस्टम है कि कर्मचारी का 50% फिर GPF प्लस उस पर DA, महंगाई भत्ते लगा के कर्मचारी की पेंशन, उसको बढ़ापे की जो लाठी है, वो आराम से अपना जीवन यापन कर लेता है। पुरानी पेंशन चाहिए सभी कर्मचारियों को। विश्व स्तर पर धरना हो रहा है, सबका धरना, पूरे प्रदेश में, पूरे भारत में पुरानी पेंशन के लिए अभियान चल रहा है। अगर मोदी जी, योगी जी पुरानी पेंशन बहाल नहीं करेंगे, तो इस कदर आंदोलन होगा और लोग बाग सड़कों पर उतरेंगे। वो एक दिन के लिए विधायक बन जाते हैं, तो वो पुरानी पेंशन के हकदार बन जाते हैं। एक पेंशन के साथ साथ 3 दिन पेंशन लेते हैं। अगर पेंशन में सांसद भी बन गए, तो भी पेंशन उनकी बरकरार है। विधायक बन गए, तो भी पेंशन बरकरार है, और पार्षद बन गए, तो भी पेंशन बरकरार है। 3 दिन पेंशन ले सकते हैं पुरानी पेंशन में। कर्मचारी के लिए एक पुरानी पेंशन बहाल करने की जगह उन्होंने NPS लागू कर दिया कि कर्मचारी इसमें अटक के रह जाए, अपने बच्चों को ना पाल सके। तो पुरानी जो पेंशन थी जिसके आप बहाल की बात कर रहे हैं, तो क्या प्रावधान थे उसके अंदर और इसके अंदर क्या है? पुरानी पेंशन एक्चुअली क्या है कि हम लोगों की बुढ़ापे की लाठी है। न्यू पेंशन स्कीम जो इन्होंने लागू की है, वो पैसा जो हमारा इकट्ठा हो रहा है, जो हमारी कटौती हो रही है, वो शेयर मार्केट में लगाया जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ कि हमारे पैसे को आडवाणी जी को क्यों दे रहा है, रिलायंस में क्यों लगाया जा रहा है? हमारा पैसा हमको दीजिए ना, हमारी जो बुढ़ापे की लाठी है। आज हम जब रिटायर होकर जाएंगे, तो हमारे बच्चे हमसे क्या मांगेंगे, उम्मीद क्या रखेंगे? हर इंसान को एक सहारा होता है, जैसे पेड़ आज लगा है, ये तो मुनाफा ही होगा ना।
जो शेयर मार्केट में लगेगा मुनाफा होगा तो आपको मिलेगा। चाहता हूँ मुनाफा कैसे मिलेगा, हमारी जिंदगी अगर 95 साल हम जियेंगे तो क्या उसकी जिम्मेदारी है? एनपीएस की कोई जिम्मेदारी नहीं है, न्यू पेंशन स्कीम की कोई जिम्मेदारी नहीं है। अगर मेरा 10,000 इकट्ठा हो रहा है वो मुझे 20,000 देने को बोल रहे हैं, ठीक है। आज जो 70,000 की जो पेमेंट उठाते थे मंथली प्रति माह के हिसाब से, उनको आज 700, 1,000, 2,000 पेंशन मिल रही है, तो क्या 2,000 रुपए में गुजारा हो जाएगा? एक परिवार 2,000 रुपए में गुजारा कर सकता है? नहीं कर सकता है, क्योंकि आप जानते हो कि आज बच्चों की पढ़ाई भी अच्छी चाहिए, महंगाई को देख रहे हैं, गैस के आसमान पर दाम है, पेट्रोल महंगा है, सब कुछ महंगा होता चला जा रहा है। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ सिर्फ एक परिवार के नाते, पेट्रोल तो सस्ता हो गया, नहीं वो सस्ता आज हो गया ना, मैं देख रहा हूँ मुद्दा तो सरकार इलेक्ट्रिक मीडिया भी यही बात कहती है आज ज्यादातर, आप लोग भी ज्यादातर हम लोगों की समस्याओं को, जब कर्मचारी सर्दी नहीं देखता ना गर्मी देखता ना बरसात देखता है, वो कर्मचारी जो 24 घंटे आपकी सेवा करता है उस कर्मचारी को आप पुरानी पेंशन से वंचित कर रहे हैं, जो सांसद और विधायक चुनकर आ रहे हैं, जो मोटी मोटी रकम लेते हैं मंथली, जो पेंशन सांसद हो जाएगा तो पेंशन लेगा, मंत्री हो जाएगा तो पेंशन लेगा, विधायक हो जाएगा तो पेंशन लेगा, ऐसा क्यों? जब मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो हम लोगों के साथ दोगला व्यवहार क्यों कर रहे हैं? जो पैरामिलिट्री फोर्स लगी है, जो पुलिस के फोर्स लगे हैं, लोग हैं वो बेचारे वंचित किए जा रहे हैं, क्या उनके कुछ है सारा? कोई सारा नहीं है। जैसे एक माँ के लिए बेटा सारा होता है, जैसे बाप के लिए बेटा सारा होता है, मैं सबसे आप लोगों से ही पूछना चाहता हूँ, कभी मोदी जी से आप लोग पूछिएगा कि जो कर्मचारी आपके लिए हर समय खड़ा रहता है उन कर्मचारियों की पुरानी पेंशन क्यों नहीं दे सकते? जब हम लोगों को पुरानी पेंशन पसंद है तो पुरानी पेंशन दे दीजिए ना, तो जब हर समय खड़े रहते तो आप भी खड़े रहिए ना, आपकी वजह से, आपकी वजह से सत्ता में आई है, सत्ता में आई है, मांग क्यों कर रहे हैं? सत्ता में आई है। अगर 2024 में मोदी जी ने अगर हम लोगों को पुरानी पेंशन नहीं दी तो यही कर्मचारी के बच्चे, इसी कर्मचारी के रिश्तेदार, परिवार, भाव, भाई, चाचा, सारे लोग भाजपा का विरोध करने का काम करेंगे। और भाजपा को सपोर्ट करते हैं? क्यों सपोर्ट, हम लोग सपोर्ट करते थे, क्यों? इन्होंने कहा था सबका विकास, हम लोग नई स्कीम, पुरानी पेंशन के इनके विधायक गए, इन्होंने कहा हम अपनी सदन में बात रखेंगे, संसद में बात रखेंगे, लेकिन किसी ने, कुछ सांसद विधायक हैं जिन्होंने, अभी बरुण गांधी जी ने एक लेटर पैड के माध्यम से हम लोगों की बात रखी कि इनकी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल होनी चाहिए, राज्यसभा के सांसद बहुत से हैं उन्होंने भी रखा है, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश के सरकार में बैठे योगी जी बुलडोजर बाबा के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने भी इलेक्शन से पहले हम लोगों के लिए लेटर लगाए थे कि पुरानी, अगर मेरी सरकार बनी तो पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। अब क्या हुआ? नहीं कर रहे ना, भरोसा नहीं है, भरोसा नहीं है योगी जी पे, भरोसा नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ, केजरीवाल जी ने भी तो कहा था कि हम लोग रिक्शे से जाया करेंगे, ऑटो से जाया करेंगे, लेकिन आज बड़ी बड़ी गाड़ियों में जा रहे हैं, आज देख रहा हूँ मैं। लेकिन आज पूछना चाहता हूँ योगी जी से, अगर योगी जी ने और मोदी जी ने पुरानी पेंशन कर्मचारियों को नहीं दिया तो बहुत बड़ा मुद्दा बनता चला जा रहा है। अभी तो सिर्फ ये प्रदेश के पदाधिकारी आए हैं, कर्मचारी नहीं आए, प्रदेश के पदाधिकारी आए हैं, और जिस दिन कर्मचारी 1,08,848 कर्मचारियों का, मैं प्रदेश का प्रभारी हूँ, तो 10 लाख भीड़ बीवी बच्चे लेकर इस जंतर मंतर पे आने का काम करेंगे, और मैं इतना ही कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। तो मतलब जो नई पेंशन आपको दी जा रही है उसमें बोले कि शेयर मार्केट के हिसाब से अगर बढ़ेगा तो ज़्यादा पैसे मिलेंगे, घटेगा तो मुनाफा कम होगा, तो शेयर मार्केट में जो लगाई जा रही है उसका तो कोई भरोसा ही नहीं है, कब डूब जाए वो, कहाँ चली जाएगी वो, इसलिए हम लोग, बढ़ भी तो सकता है ना, बढ़ेगा हम तो जब मानेंगे, जब किसी को मिले या कुछ मिलता हो, हमारा कम से कम नहीं तो 8 साल से कट रहा है और 25% हमको दिया जा रहा है तो हम कैसे भरोसा करें, इसलिए हम तो पुरानी पेंशन मांग कर लेके आए हैं और पुरानी पेंशन ही हमको चाहिए यहाँ पे। किससे मांग करते हैं? मोदी जी से कर रहे हैं और किससे करेंगे? कब से कर रहे हैं? ये तो हमारा कम से कम 6-7 साल से हमारा चल ही रहा है, 7-8 साल मोदी जी को अभी तक नहीं सुना उन्होंने, अभी तक नहीं सुना, अन्य राज्यों में 2-3 राज्यों में हो गई, पता नहीं यूपी में क्यों नहीं कर रहे हैं, अन्य राज्यों में और क्यों नहीं करी जा रही है। योगी जी आपके, आपने कभी उनसे मांग नहीं की दोबारा के आप दोबारा सत्ता में? भाई ने कहा था कि योगी जी ने अपने जो उन्होंने अपना एजेंडा बनाया था उसमें पुरानी पेंशन बहाल करने का लालच दिया था, लेकिन वो अभी तक नहीं की गई, हमने बात करने की कोशिश नहीं की, बात हमारे नेता जो हमारे प्रदेश लेवल के नेता हैं बैठे हैं वो अपनी बात कर रहे हैं, बराबर बात चल रही है, लेकिन अभी तक तो कोई रिजल्ट आया नहीं है, इसलिए हम लोग दिल्ली तक आए हैं, अब दिल्ली में उम्मीद लेके आए हैं मोदी जी से, मोदी जी क्या देते हैं देखो, अब उनका भी इलेक्शन आने वाला है, उम्मीद है, बिल्कुल अभी भी उम्मीद है, बिल्कुल बिल्कुल उम्मीद। आप 6-7 साल हो गए आपका मांग करते हुए लेकिन अभी तक उम्मीद बरकरार? जी जी बिल्कुल बिल्कुल भाई, मोदी जी से इसलिए प्रेसिडेंट है वो, है नहीं इसलिए प्राइम मिनिस्टर हैं भाई, उनसे उम्मीद नहीं करी जाएगी तो किससे करी जाएगी भाई, प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? उम्मीद में बैठे रहे, बैठने से काम थोड़ी चलता है, जब तक बच्चा रोता नहीं है। आप सरकार के साथ हैं या उसके खिलाफ है पहले ये बताइए? साथ में है लेकिन जब प्रदर्शन नहीं होगा तो खिलाफ भी होंगे हम, हाँ हम अगर हमारी पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी तो हम खिलाफ होंगे, अभी हम साथ हैं।
अच्छा, 6-7 साल से आप मांग कर रहे हैं लेकिन अभी तक बहाल नहीं हुई। क्योंकि हमारे यूपी का जो इलेक्शन हुआ है प्रचंड बहुमत के साथ हमारी सरकार बनी है। अच्छा, बीजेपी की। फिर भी आपकी बात नहीं सुन रहे? फिर भी बात नहीं सुनी जा रही है, लेकिन अब नेक्स्ट आगे नहीं होगा तो जो होगा वो रिजल्ट सामने आ जाएगा सरकार के। सरकार पेंशन की बात करेगा, वही हमारे दिलों पर राज करेगा। राज करेगा। आने वाले समय में नगर निगम के भी चुनाव लगे हैं और सांसदी के भी चुनाव लगे हैं। अब जो सरकार पुरानी पेंशन की बात करेगा वही हमारे दिलों पर। मतलब योगी जी ने बात करी पेंशन की, इसलिए आपने उनको जितवा दिया? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। आगे भी फिर वो बात कर लेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। अब ऐसा नहीं होने वाला है। अब जो पेंशन की, जो पुरानी पेंशन की बात करेगा वो यूपी और दिल्ली में राज करेगा। अब आगे 2024 में इलेक्शन आने वाला है सेंट्रल गवर्नमेंट का, लोकसभा का। अब हमारी बात वार्ता लगी हुई है आज। अगर वार्ता सार्थक होती है तो ठीक है, और अगर सार्थक नहीं होती वार्ता तो हम लोग 2024 में इसका रिजल्ट दिखा देंगे केंद्र सरकार, माननीय मोदी। अपनी सरकार के अगेंस्ट ले जाओगे? बिल्कुल। अगर सरकार खुद तो पेंशन ले रही है, हम लोगों को कर्मचारी हैं, हम 60 साल सरकार की सेवा करते हैं लेकिन हमें पेंशन नहीं दे रही है। वो 5 साल में अगर 2 बार भी जीत जाए तो 2 बार पेंशन लेते हैं, 3 बार जीत जाते हैं 3 बार पेंशन लेते हैं। हम लोग अपना स्वयं तो पेंशन ले रहे हैं, हम लोग को पेंशन नहीं दे रहे हैं। अच्छा, सरकार पेंशन की जगह बुलडोजर चलवा रही है? नहीं, वो बुलडोजर वो अलग मुद्दा है, हमारा पेंशन से कोई मामला नहीं है इसका, वो सरकार का विवेक। देश का तो मुद्दा है ना? नहीं नहीं, देशवासी नहीं है? नहीं, देशवासी है, लेकिन इस समय हम फिलहाल पेंशन पाए, पेंशन की बात करेंगे हम। सरकार तो आपकी है ना, सरकार से आप बात कर रहे हैं उसी का मुद्दा है। सरकार हमारी नहीं है, सरकार पूरे देश की है, जो जनता ने चुनी है, हम भी उसमें शामिल है, लेकिन हम इस समय पेंशन पाए केवल, जो हमारी पुरानी पेंशन है, पुरानी पेंशन बहाली के लिए आए। चलो मुझे ये बता दीजिए, आपने बोला कि आपकी सरकार है, कुछ अच्छे काम बताइए सरकार। नहीं, सरकार सभी की, सरकार सभी को दिखा रहा है अच्छे काम कर रही है, गलत काम कर रही है। नहीं, जो सभी को दिख रहा है ये हमारा आप बताइए ना। नहीं मैडम, ये मुद्दा आप बताइए, ये मुद्दा नहीं है, आप बताइए। केवल हमारा मुद्दा पुरानी पेंशन है, आप ये जन नहीं नहीं, ये मुद्दा नहीं है हमारा। देश के मुद्दे तो है ना सरकार, अगर किसी और लोगों के मुद्दे तो आप उनमें बात नहीं करेंगे। हम केवल यहाँ पेंशन की बात कर रहे हैं, केवल आप पुरानी पेंशन की बात कर रहे हैं, किसी और के मुद्दों पर बात नहीं करेंगे। नहीं, हम केवल पेंशन पे यहाँ बात करेंगे, हमारी पुरानी पेंशन। हम राजनेता नहीं है, केवल कर्मचारी नेता है, कर्मचारी की बात कर रहे हैं हम, केवल पेंशन की बात कर रहे हैं, वो हमें इससे हमारी समस्या नहीं है। सर, ये मुद्दे भी तो राज्य में ही आते हैं या देश के बाहर के मुद्दे आते हैं? वो बात सही है आपकी, ये तो जनता जाने, राजनेता वो जाने। आप जनता नहीं है? नहीं, हम जनता है, लेकिन हम एक सिस्टम से बंधे हुए हैं। कर्मचारी जनता नहीं होती? नहीं नहीं मैडम, हम सिस्टम में हैं, हम नियमावली के तहत हैं, हम नियम में बंधे हुए हैं। कर्मचारी एक नियम से बंधा हुआ होता है और हम उसी नियम के तहत बात कर रहे हैं, क्योंकि पेंशन हमारा हक है, पेंशन पाना हमारा हक है, पुरानी पेंशन, इसलिए हम सरकार से मांग कर रहे हैं और पेंशन हम लेके रहेंगे, ये हमारा हक है, और जब तक पेंशन सरकार नहीं देगी तब तक हम अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ेंगे। पेंशन ही हक है, उसके अलावा जिसे अच्छा चलिए, बेरोजगारी जो बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, उससे फर्क नहीं पड़ रहा? नहीं, फर्क पड़ रहा है, वो आम जनता की बात है, लेकिन हम केवल कर्मचारी की बात कर रहे हैं, कर्मचारी हित की बात कर रहे हैं। इस समय कर्मचारी के घर का राशन नहीं खाते क्या? रोटी वोटी नहीं खाते? मैडम वो चीज सही है, ये तो आप कर्मचारी के लिए सैलरी दे रही है सरकार। क्या दे रही है? सैलरी जो भी दे रही है, खाना खा ले रहा है वो, लेकिन अब हमको चिंता लग रही है अपने बुढ़ापे की, कि हमको बुढ़ापे में पेंशन मिलनी चाहिए, जिससे हमारे सैलरी दे रही तो पेंशन में दे देंगे फिर सरकार के खिलाफ, जिससे हमारे बेटी बेटा हमको रोटी खिला सके, हमारी वो लड़ाई है। अब बेरोजगारी बढ़ रही है या गरीबी आ रही है, ये सरकार का मुद्दा है, ये जनता का मुद्दा है, जनता उस पर लड़ाई लड़े, ये हमारा मुद्दा नहीं है। बेरोजगारी बढ़ रही है तो आपका मुद्दा नहीं है? आप अच्छा, आपके शादी हुई है? घर में कितने बच्चे हैं? मेरे 3 बच्चे हैं। अच्छा, अगर वो पढ़ लिख कर उन्हें नौकरी नहीं मिलेगी, आपका मुद्दा नहीं है? उनका मुद्दा बच्चों को क्या करना है वो बच्चे अपने उनको पर डिपेंड करता है। अच्छा, बच्चों को नौकरी नहीं मिलेगी? मैं एक सरकारी, बच्चों को नौकरी नहीं मिलेगी? सुनिए आप, मैं एक सरकारी सिस्टम से जुड़ा हुआ हूँ, मैं सरकार के खिलाफ नहीं कह सकता, मैं अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए दिल्ली आया हुआ हूँ, मुझको पुरानी पेंशन चाहिए। तो आपने बोला कि 2024 में दिखा देंगे, सरकार के खिलाफ नहीं है? दिखाएंगे, भाई हमारा जो सिस्टम है, सरकारी कर्मचारी है ना, फिर सरकार के खिलाफ हमारा जो सिस्टम है, जो सरकारी मशीनरी है वो दिखाएगी, बाकी जनता अगर लाएगी तो आ जाएगी, जनता को थोड़ी रोक लेंगे हम लोग। आपकी राय क्या है? भाई मेरी राय तो ये, अगर मेरा काम होगा, मुझे पेंशन मिलेगी तो हम देंगे। भाई विधायक एक बार बन जाता है 5 साल के लिए तो वो पेंशन लेता है, दोबारा बन गया उसकी दूसरी पेंशन लागू हो गई। हम 60 साल सेवा करके सफेदी लेके घर जाते हैं, डंडा टेक के घर जाते हैं, उसके बाद हमको पेंशन नहीं तो हमको रोटी कौन देगा? तो प्रदर्शन है किसके खिलाफ? अपनी, हमको देश की लड़ाई, हमको खाली अपनी, अब बिल्कुल ये सरकार की टेंशन है, हमारी नहीं है। तो ये भी तो सरकार की टेंशन है, पेंशन ना देना, फिर आप इतने खिलाफ क्यों हैं? नहीं, खिलाफ नहीं, अपनी बात रख रहे हैं हम, सरकार से अपनी बात रख, खिलाफ नहीं। अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो उसका फिर हम देखेंगे, हम सरकार खिलाफ खिलाफ हो जाएंगे, बिल्कुल खिलाफ हो जाएंगे।
अगर अभी हम सरकार के खिलाफ नहीं अपनी बात रख रहे हैं, अगर सरकार हमारा ये हक है पुरानी पेंशन लेना, अगर सरकार में सरकार ने नई पेंशन तो बना दी ना, नहीं उससे वो हमें नहीं चाहिए, सरकार अपने पास रखे उसे, हमें उससे कोई मत, हमें सर उससे नई पेंशन से हमें नहीं चाहिए, हमें पुरानी पेंशन हमारा अधिकार है। सरकार ने कुछ सोच कर ही तो बनाई होगी ना, सरकार ने सोच के बनाई है, लेकिन सरकार हमें वो नहीं अच्छी लग रही, सरकार क्यों दे रही है हमें जबरिया, हमें जो चीज़ चाहिए नहीं वो सरकार क्यों हमें जबरिया थोप रही है, हमें जो चीज़ चाहिए हमें वो लेना है, हमें पुरानी पेंशन चाहिए, पुरानी पेंशन चाहिए, हमें न्यू से कोई मतलब नहीं है, सरकार जो चेंजिंग कर रही है। रखिए आप रखिए, भाई मैं पुरानी पेंशन और नई पेंशन के बीच में एक फर्क बताना चाहता हूँ कि पुरानी पेंशन जो है उसमें आप 3 बार केवल पूरी सर्विस में पैसा निकाल सकते हैं, और नई पेंशन में आप पूरी सर्विस में कितनी बार भी अपने फंड का पैसा निकाल सकते हैं। अगर आपके 4 बच्चे हैं, आप पूरी सर्विस में 3 बार पैसा निकालेंगे, आपने उस बच्चे की 3 बार पैसा निकाल के शादी कर दी, चौथे बच्चे की शादी वो कैसे करेगा, वो भी 25% आप पैसा निकाल सकते हैं पुरानी पेंशन में। ये तो बोल रहे कि बच्चे खुद देंगे, क्या करना है? नहीं, ये उनके विचार हैं, ये उनके विचार हैं, ये उनकी व्यक्तिगत समस्या है, बच्चे आपकी समस्या है, हमारी समस्या केवल पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए, नई पेंशन योजना जो हमारा पैसा कट से पेंशन ही समस्या है, उसके अलावा देखिए फिलहाल तो पेंशन की समस्या है, ये धरना जो हो रहा है पेंशन के लिए हो रहा है, किसी अन्य समस्या के लिए नहीं हो रहा है। आपने काफ़ी देर से आप सुन रही हैं, केवल पेंशन की ही बात हो रही है, जितने ही वक्ता यहाँ बैठे हुए थे या बोल रहे थे वो पेंशन की बात कर रहे थे, क्यों? क्योंकि NPS जो है वो एक सट्टे की तरह है। सट्टा क्या होता है, आपने लगाया उसकी कोई उम्मीद नहीं है कि वो सट्टा आपका खुलेगा या नहीं खुलेगा। इसी तरह शेयर मार्केट है, आपने LIC, आपने SBI के शेयर मार्केट में आपने पैसा लगा दिया हमारा, और अब राजस्थान में पुरानी पेंशन बहाल हो गई है। मतलब आप बोल रहे हैं कि आप सरकार के खिलाफ ही धरना कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। सरकार अगर हमारी मांग को पूरा नहीं करेगी तो 2024 में हम उग्र आंदोलन करेंगे उसके विरुद्ध, और उसे बता देंगे कि कर्मचारी कितना ताकतवर है, कर्मचारियों की समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान नहीं किया गया, पुरानी पेंशन बहाल नहीं की गई, तो वो अभी तो यहाँ बैठे हुए हैं, सड़कों पर दिखाई देंगे, सरकार के संसद तक ला देंगे, ये हमारा कहना है। इसी चैनल के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं। अच्छा, आप 5-6 साल से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, 2004 के बाद, ठीक है ठीक है, 2004 के बाद, लेकिन उसके बाद भी तो 2014 से 2 बार सरकार आ गई है ना? 2 बार सरकार आ गई, किसकी आ गई 2 बार सरकार? सरकार आ गई है ना BJP की, सरकार ने पहले भी आश्वासन दिया, हमने सरकार का साथ दिया, दोबारा आश्वासन दिया कि इस बार कर देंगे, जैसे धारा 370 कश्मीर की हटा दी, दूसरी बार हटाई थी ना, पहले सरकार बनी थी तब क्यों हटाई धारा 370, दूसरी बार प्रधानमंत्री बनकर धारा 370 कश्मीर की क्यों हटाई? इसलिए उन्होंने हमसे ही वादा किया कि हम दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगे या दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे तो आपकी पुरानी पेंशन को हम बहाल करेंगे, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया है, इसीलिए ये धरना प्रदर्शन हो रहा है और आगे भी। धारा 370 हटने से क्या फ़ायदा हुआ? मुझे उससे कोई लाभ नहीं है, वहाँ क्या फ़ायदा हुआ क्या नहीं हुआ, मुझे पुरानी पेंशन नहीं मिली, मेरा ये नुकसान है, मेरी पुरानी पेंशन बहाल नहीं हुई, मैं केवल उनके वादे की बात कर रहा हूँ, उससे लाभ क्या हुआ धारा 370 से या नुकसान क्या हुआ, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। आप देशवासी हैं, कम से कम इतना तो आपको पता होना चाहिए ना कि देश में क्या चल रहा है। मेरा खुद का हित नहीं हो रहा, देश का हित कैसे सोचूंगा मैं, ये सरकार का काम है, मैं तो एक आम नागरिक हूँ, एक छोटा सा बहुत कर्मचारी, फोर्थ क्लास कर्मचारी हूँ, ये मेरा काम नहीं है, ये सरकार का काम है, वो क्या करेगी? सरकार कर तो रही है, लेकर तो आइए न्यू पॉलिसी, कर तो रही है काम। मैं आपको बता तो रहा हूँ ना कि आप 25% अपना पैसा निकाल सकते हो, वो भी पूरी सर्विस में 3 बार, और पुरानी पेंशन जो है उसमें 90% आप अपना पैसा निकाल सकते हैं फंड का, वो ज्यादा लाभदायक है, आपके 2 लाख रुपए जमा है तो आप 2 लाख रुपए में कितने 50,000 रुपए मिले। सरकार जो पॉलिसी बना रही है वो ठीक नहीं है आपके हिसाब से? बिल्कुल ठीक नहीं है, सरकार ने ये पॉलिसी बनाने नहीं, बन चुकी है ये तो, उन्होंने पैसा जो अरबों खरबों रुपए शेयर मार्केट में पेंशन का जो हमारा पैसा वो लगा रखा है, और वो अब ये कह रही है कि इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि आपको पेंशन मिले या नहीं मिले, अगर वो पैसा डूब जाता है तो वो तो ये मान के चलिए कि 40 प्राइवेट कंपनी में लगा। यहाँ पे कुछ लोग थे अभी, वो बोल रहे थे कि आप भी सरकार के साथ हैं। नहीं, वो सरकार के साथ हैं, मैं भी सरकार के साथ हूँ, लेकिन मैं वर्तमान में विरोध में हूँ सरकार के, उनकी नीति। फिर ये साथ कैसा हुआ, साफ कीजिए ना, विरोध में है कि साथ में? मैं संविधान के साथ हूँ लेकिन सरकार के विरोध में हूँ, मेरा ये कहना है। मैं संवैधानिक पदों के साथ हूँ, संवैधानिक कुर्सियों के साथ हूँ, संविधान की नियमावली के साथ हूँ, लेकिन सरकार के विरुद्ध हूँ, मैं सरकार की नीतियों के विरुद्ध हूँ। सरकार अगर पुरानी पेंशन बहाल नहीं करती है तो इससे ही बड़ा आंदोलन होगा, ये तो प्रदेश के
पूरे देश के पदाधिकारी आए हुए हैं, आम कर्मचारी जिस दिन यहाँ बुला लिया उस दिन ये सड़क खोद कर ले जाएंगे संसद भवन तक और सारा मलबा वहीं डालेंगे। क्या इसको आप साफ कीजिए, आप देश की गंदगी को साफ कर रहे हैं ना, तो इसको भी साफ कीजिए। बस यही मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लोग मौजूद थे लगातार बोल रहे हैं कि सरकार के साथ भी हैं, खिलाफ भी हैं, कोई एक उनकी अपनी राय नहीं है। जिस तरह से यहाँ पे विरोध प्रदर्शन हो रहा है, भारी संख्या में लोग मौजूद हैं, बोल रहे हैं कि जो न्यू पॉलिसी आई है उसको हटवाने के लिए लगातार यहाँ पर मांगी की जा रही है, पुरानी पॉलिसी लाई जाए। जो विधायक है, सांसद है, अगर उन लोगों को पुरानी पॉलिसी मिलती है तो फिर जो आम लोग हैं, जो कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, उनको पुरानी पेंशन क्यों नहीं दी जा रही, क्यों नहीं पेंशन उन्हें दी जा रही है, इन्हीं सब मांगों को लेकर यहाँ पर सब लोग ये मौजूद थे। मैं फाइनसाइवी कैमरामैन आशीष के साथ नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।